हेलो एंड वेलकम टू मोटरोज। आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा इंडिका के सेल्फ की सर्विस के बारे में। बेसिकली अगर आप सेल्फ की सर्विस प्रॉपरली नहीं कराते हो तो कुछ इसी तरह हाल होता है जिस तरह ये गाड़ी हमारी चालू नहीं हुई। हमें बहुत समय से इसकी सर्विस कराना ड्यू था, लेकिन हमने कुछ कारणवश इसकी सर्विस नहीं करा पाई, जिसकी वजह से इसका कनेक्टर बुश असेंबली जो है वो ख़राब हो गई थी। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता ख़राब हुई। बेसिकली ये खुलने के बाद ही हमें पता चला कि इसकी कनेक्टर बुश असेंबली जो है वो ख़राब हो गई है। कनेक्टर बुश असेंबली में ऊपर बुश लगे होते हैं जो कि उसकी जो है गियर के टीथ को जो है वो रन आउट कराते हैं पूरी बाइंडिंग वाली मोटर के साथ। तो बने रहिए वीडियो में और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं प्रॉपरली, अगर आपके पास इंडिका इंडिगो है तो इसके जो सेल्फ की सर्विस है आप लगभग साल से 1.5 साल में या फिर एट मैक्स 2 साल में एक बार सर्विस जरूर कराएं। लेबर चार्ज वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन नियरली 500 लगता है। आप इसमें आपका पूरे की पूरे जो है सेल्फ को खोला जाता है, साथ ही साथ उसको निकालने के बाद उसकी पूरी को खोल करके पेट्रोल से अच्छी तरीके से सफाई की जाती है पूरी बाइंडिंग मोटर वगैरह सब चीज़ की प्रॉपरली। उसके बाद हमने कनेक्टिंग बुश असेंबली जो थी इसकी वो लूकास टीवीएस की ओरिजिनल हमने जो है परचेज़ की, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स लूकास टीवीएस के ही आता है इसमें, तो हमने वो ओरिजिनल परचेज़ की जिसकी एमआरपी थी 597 और जो कि हमें लगभग 440 का उसने हमें ये दिया था। बेसिकली आपको जो है इस पार्ट को ओरिजिनल इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर लोकल यूज़ करते हो तो कल को फिर ख़राब हो, अगर कनेक्टर बुश जल्दी कट गया आपका या जल्दी ख़राब हो गया तो आपको फिर काफ़ी सारी समस्याओं का जो है आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। तो उसको देखने के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप लोग प्रॉपर वे में इसकी सर्विस कराया करिए और कनेक्टर बुश वगैरह जो भी सामान डालें हमेशा जेन्युइन सामान डालने की कोशिश किया कि ये नहीं मिल रहा बात अलग है, पर मैक्सिमम टाइम कोशिश की जाएगी जेन्युइन पार्ट्स ही हम हमेशा खरीदें। अगर ओरिजिनल टाटा के हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो दूसरी कंपनियां जो आती हैं जैसे मिंडा और लूकास टीबीएस इस तरह के कुछ ब्रांड्स आते हैं जो कि ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट सप्लायर हैं, इनके पार्ट्स आप ले सकते हो, वो भी काफ़ी हद तक रिलायबल रहते हैं, लेकिन बजाय लोकल पार्ट से तो बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से कितनी सारी जो है गंदगी जो है वो निकली, और मैं आपको बताना चाहूँगा सेल्फ की सर्विस की मैं एक होममेड वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा आपको बहुत जल्द। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आए हमारे काम को, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अगर नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन ऑटोमोबाइल पे हम लाते रहते हैं। अब जो जो न्यू कार्स के लॉन्चिंग है उनके वेरियंट्स एक्सप्लेन है, जो जो आपको चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम सारी चीज़ों का आपको है जवाब देंगे। और इस सेल्फ की सर्विस का मैंने आपको बता दिया, सेल्फ गाड़ी में एक बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट रोल प्ले करता है एक गाड़ी के स्टार्ट होने में, क्योंकि जिस दिन सेल्फ काम नहीं करता आपको गाड़ी को किससे चालू करना पड़ेगा, ढक्के से आपको गाड़ी चालू करनी पड़ेगी, और काफ़ी अगर सिंगल आदमी की बात नहीं है काफ़ी सारी इसमें मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि सर्विस को टाइम टू टाइम जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं ऐसी प्रॉपरली सेल्फ की सर्विस कराए जिससे आपकी गाड़ी कभी खड़ी ना रहे। लेकिन फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको गाड़ी की सेल्फ की सर्विस करानी चाहिए जो कि केयरलेस है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि आदमी की कंडीशन ये रहती है जब गाड़ी ख़राब हो जाती है या खड़ी रह जाती है जैसे इस केस में हुआ, तभी आदमी सेल्फ की सर्विस कराता है। तो ध्यान रखिएगा सेल्फ की सर्विस का भी आप लोग, और वीडियो में बने रहिए। Thank you.
लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा पूरा 100% जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कार्स की वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और एट लास्ट हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूर लगाइएगा, फोर व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।